लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑलराइट जेंटलमैन, हमें किस किस्म की कॉलोनी चाहिए ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और ये जाहिर है कि ये बताने की जरूरत नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिलेगा जो इस कॉलोनी के मकान सबसे कम कीमत में बनाने और बेचने के लिए तैयार हो। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो? वन क्वेश्चन वर्मा साहब। यस प्लीज। गवर्नमेंट सिर्फ जमीन दे रही है और इस जमीन पर कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे खर्च करके कॉलोनी बनाएगा और मकान सस्ती कीमतों पर देगा। मुनाफा जो भी हो वो कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन अगर कॉलोनी के मकान नहीं बिक सके तो? चतुर्वेदी जी, इस कॉलोनी के मकान न बिके इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात यह है कि जो मुनाफे का हकदार हो वही घाटे का भी जिम्मेदार होता है। एनीवे, टेंडर भरने की आखिरी तारीख इस महीने की 18 तारीख है। ऑलराइट जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। चले सर। चले सुना। यस सर। इस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर, हमारी कंपनी के मुकाबले में कौन आ सकता है? एक आदमी की फिक्र है मुझे, विजय कुमार। You're right, Mr. R.K. Gupta. ये कॉन्ट्रैक्ट मैं हासिल कर सकता हूं और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझी को मिलेगा। ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हुआ कि ये भरोसा कितना गलत है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी से भंडारी जैसे चोर नौकरों को निकाल दिया है जो मेरे साथ बेईमानी कर सकते थे। मिस्टर आरके गुप्ता, अगर मैंने आपके साथ बेईमानी की तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं, इसलिए कि मेरा एक उसूल है, एक इंसान जो जबान समझे मैं उसके साथ उसी जबान में बात करता हूं। ईमानदारों के साथ ईमानदारी, बेईमानों के साथ बेईमानी। तुम मुझे अपनी तरह बेईमान समझते हो? नहीं, मैं तो आपको बड़ा धनवान समझता हूं मिस्टर आरके गुप्ता। यह बात अलग है कि आजकल की दुनिया में कोई आदमी बगैर बेईमानी के इतना धनवान नहीं बन सकता। मिस्टर आर के गुप्ता, मुझे बेईमान कहने से पहले झांक करके देखिए अपने बीते हुए दिनों। हो सकता है इतना अमीर बनने के लिए आपने भी कभी किसी के साथ कोई बेईमानी की हो, किसी को धोखा दिया हो सकता है आपने भी कभी इतनी दौलत कमाने के लिए अपने जमीर अपने जज्बात का सौदा किया। What the hell do you mean by that? तुम ये कहना चाहते हो मैंने ये दौलत, ये पोजिशन, ये इज्जत, अपना जमीर अपने जज्बात बेचकर हासिल किए? अभी तुमने दिखा ही क्या, यहाँ जमीर और जज्बात इतने महंगे नहीं बिकते, वरना आज दुनिया का हर भिखारी मेरी तरह करोड़पति बन जाता। मैंने दौलत ये पोजीशन हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से, इसलिए कि मुझ में हिम्मत थी, हर कीमत पर आगे बढ़ने की हिम्मत। और अगर तुम इस हिम्मत को जमीर और जज्बात का सौदा करना कहते हो तो मुझे तुम्हारी अकल फिर रहे माता। लगता मैंने आपकी किसी दुखती रख पे हाथ रख दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहता हूं मिस्टर गुप्ता वो भी कहूंगा, लेकिन सही बात सही वक्त और सही मौके पर की जाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है, और मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार है। गुड डे मिस्टर गुप्ता। हां, मेरी बनाई हुई कॉलोनी में अगर आपको मकान चाहिए तो तकल्लुफ मत कीजिएगा, मकान मिल जाएगा। सुना, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं इस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट विजय कुमार को नहीं लेने दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा, मुझे। कुछ भी हो जाए गीता, ये काम शांति कंस्ट्रक्शंस के अलावा किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये एक छलांग एक जस्ट मुझे दूसरों से मिलवा के पहुंचा देगी। गीता, ये मिस्टर वर्मा किस टाइप के आदमी है? मेरा मतलब है अगर उन्हें कुछ पैसे दे दिला करके। नहीं विजय, नहीं, वर्मा साहब बहुत ईमानदार आदमी है। तुमने अगर बातों बातों में कहीं उन्हें इशारा भी दे दिया तो बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो जाएगा। तुमने कहा था दुनिया में हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। विजय, मैं कई दिनों से देख रही हूं
तुम बहुत परेशान, बहुत बेचैन हो। मैं जानती हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने से तुम्हें लाखों का फायदा होगा, लेकिन दौलत तो तुम्हारे पास आज भी बहुत है। क्या तुम खुश हो? तुम समझती मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा हूं, दौलत के लिए कर रहा हूं? इधर आओ। हाँ, मेरी मां की तस्वीर तो तुमने कई बार देखी है, आज उसकी कहानी भी सुन लो। मेरी मां बहुत गरीब औरत थी गीता, और इस जुर्म के लिए दुनिया में उसे किसी ने माफ नहीं किया। यह गरीबी एक ऐसा दाग था उस पर, ये एक दिन दौलत के लिए एक ऐसे इंसान ने उसे छोड़ दिया जिसको वो अपनी सबसे बड़ी दौलत समझती थी, और उस दिन मेरी मां पूरी कंगाल हो गई गीता, लेकिन वो मरी नहीं गीता, इसलिए कि वो मुझे जन्म देना चाहती थी। कितना दुख, कितनी जिल्लत सही होगी मेरी मां ने मुझे पालने के लिए, कौन जानता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां भी है मैं जानता हूं उसकी आत्मा हर दिन हर पल मुझे देख रही है, और मैं अगर अपनी मां का बेटा हूं, अगर मैं अपनी मां का बेटा हूं गीता, तो एक दिन उस आदमी की सारी दौलत छीन लूंगा जिसने एक दौलत के लिए मेरी मां से उसकी खुशियां छीनी थी। तुम समझती हो कि मैं रुपया कमा रहा हूं? नहीं गीता, मैं किसी से अपनी मां के आंसुओं का हिसाब ले रहा हूं। मुझे, मैं उस आदमी को जानती हूं। उसे मेरे सिवा कोई नहीं जानता। यस सर। जगदीश, तुम पीएल वर्मा को जानते हो? सर जानता तो नहीं हूं, लेकिन उनके बारे में सुना है। क्या सुना है? यही सर कि वो एक बहुत ऑनेस्ट आदमी है, एक पैसा रिश्वत नहीं लेते, आई मीन इसी तरह की बातें। तुमने ठीक सुना है। आज तुम जाके मिस्टर वर्मा को 30,000 की रिश्वत होगी। रिश्वत? वहां जाके क्या कहना है पहले वो सुनो। फरमाइए, क्या काम है आपको? माफ कीजिए वर्मा साहब, पहली बार आपसे मिल रहा हो, लेकिन कुछ खास काम था आपसे। हाँ हाँ, यही बात कर लें या? हाँ हाँ, कहिए, यही कह दीजिए, क्या बात है? हमारे साहब ने ये भेजा था आपके लिए। क्या है ये, किसने भेजा? जी पूरे 30,000 है, और साहब ने सलाम कहा है आपको। क्या नाम है तुम्हारे साहब का? जी विजय कुमार साहब, मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ। बदतमीज आदमी, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उड़ाओ अपना पैसा, उड़ाओ। साहब मैं तो नौकर आदमी हूँ। और अपने विजय साहब से कहना कि आंदा मुझे रिश्वत देने की कोशिश की तो जेल की चक्की पीस रहे होंगे। क्या समझता है वो मुझे, बदतमीज आदमी। जी मुझे तो विजय साहब ने कहा था कि गेट आउट। यस सर, मिस्टर वर्मा ऑन द लाइन। प्लीज पुट हिम ऑन। हेलो, हाँ मिस्टर वर्मा, मिस्टर गुप्ता, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं, हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि इस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया जाए। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप डिजर्व करते हैं, आपको काम मिल गया, मैंने आप एहसान नहीं किया। मैं कल सुबह आपके ऑफिस पहुंच जाता हूं, और आप इत्मीनान रखिए मिस्टर वर्मा, हमारी कंपनी की पॉलिसी एक लफ्ज में बयान की जा सकती है, और वह लफ्ज है
ईमानदारी है। मिस्टर वर्मा, मैंने सुना है कि उस कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट अपार के गुप्ता को देने वाले हैं, क्या ये सच है? जी हाँ। आखिर क्यों, ये फैसला आपने क्यों किया वर्मा साहब? क्या खराबी मेरे काम में? खराबी आपके काम में नहीं, आपकी नीयत में है मिस्टर विजय। मैं किसी ऐसे आदमी को काम नहीं देना चाहता जो मुझे रिश्वत देने की कोशिश, समझे आप? रिश्वत? ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा अनजान न बनिए। वो 30,000 जो आपका आदमी लेके आया था वो रिश्वत नहीं तो और क्या था? 30,000? 30,000 रुपए मेरा आदमी लेके? जी हाँ, आपका आदमी लेके आया था 30,000 रुपए और आपका सलाम लेके मेरे पास आया था। मिस्टर विजय, आपने बहुत बड़ी गलती की। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका तो क्या हो गया? ये सब बिजनेस का खेल है, इसमें ये सब कुछ होता रहता है। और अगर ये समझकर तुम मुझे तसल्ली दे रही हो कि मैं हार गया तो तुम गलत समझ रहे हो गीता। खेल तो अब शुरू हुआ है। देखो, जहां मिस्टर आर के गुप्ता अपनी शानदार कॉलोनी बनाने जा रहे हैं उसके सामने की सारी जमीनें मैंने खरीद ली हैं, जहां मैं मिस्टर आर के गुप्ता से कहीं बड़ी और कहीं बेहतर कॉलोनी बनाऊंगा, और उस कॉलोनी के मकान मिस्टर आर के गुप्ता से आधे दाम पर बिकेंगे। तुम देखती जाओगी ना, मैं इस बाजार की कीमतें पलट दूंगा। मिस्टर आर के गुप्ता की कॉलोनी बनेगी जरूर, लेकिन बसेगी नहीं। खेल तो अब शुरू हुआ। विजय, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इस तरह का कोई कदम उठाने से तुम्हें लाखों का नुकसान हो सकता है, तुम बर्बाद हो सकते हो। किस कमबख्त को परवाह है बर्बादी की? मैं शहर में क्या लेकर आया था? सिर्फ अपनी माँ का नाम, और एक दिन सिर्फ अपनी माँ का नाम लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं यहां हूं, शांति कंस्ट्रक्शंस का वो बोर्ड जिस पर मेरी मां का नाम लिखा है दुनिया के किसी भी बोर्ड से नीचे नहीं हो सकता। और अखबार में इश्तिहार दे दो कि आर के गुप्ता की कॉलोनी के सामने शांति नगर बनेगा। डैडी, डैडी, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा? मिस्टर विजय कुमार तो काफी अकलमंद आदमी था, पागल हो गया क्या? यदि कोई भी इंसान जिसे जरा सा भी बिजनेस सेंस हो ये इश्तिहार देखकर साफ कह सकता है कि इसमें सिवाय लाखों रुपए के घाटे के मिस्टर विजय कुमार को कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये कॉलोनी बन गई शेखर तो हम तबाह हो जाएंगे। हमारी कॉलोनी के सामने अगर उसने हमसे बड़े और बेहतर मकान हमसे आधी कीमतों पर बेचे तो हमारी कॉलोनी का एक भी मकान कोई नहीं खरीदेगा। उसका दिवाला तो यकीनी है, लेकिन हम भी नहीं बचेंगे। यू आर राइट डैडी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो ये कर क्यों रहा है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। गुप्ता साहब, इस कॉलोनी पर तो हम में से कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। गुप्ता जी, हमारा पैसा हमें वापस कर दीजिए। मिस्टर मेहरा, इस कॉलोनी पर मैंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाई है, आपको अकेले रिस्क नहीं ले रहे। इससे पहले भी आप लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए हैं और लाखों कमाए। अगर हमने कभी लाखों कमाए हैं तो इसलिए नहीं कि एक दिन में लाखों गवा दे। आपने कॉलोनी बनानी है तो बनाइए, मगर हमारे पैसे वापस कर दीजिए। देखिए, हमारे और आपके जो पुराने बिजनेस रिलेशंस हैं, मैं उनकी वजह से इतनी बातें करा रहा, वरना पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कल आप सबको अपने अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। सुना? जी सर। कल इनके पैसे लौटा देना। यस सर। अच्छा गुप्ता जी, हम चलते हैं। लेकिन सर, मैं जानता हूं सुना, बैंक में पैसा बहुत कम है। सेठ जमनादास को फोन करो, कहो फौरन पैसे भिजवा दे। सर, जमनादास ने खुद सुबह फोन किया था, मेरे साहब की तरह उन्हें भी अपना पैसा वापस चाहिए। सेठ जमनादास भी है, जमनादास भी है। देखा आप लोगों ने, ये वही लोग हैं जो नोटों की गड्डियां लिए हाथ जोड़े मेरे आगे पीछे घूमते थे। अब जरा सा बुरा वक्त आया मेरा तो अपनी जात दिखाने लगे सब। सर, इन्हें क्यों इल्जाम देते हैं? जितने भी लोगों ने हमारी कॉलोनी में पैसा लगाया है या मटेरियल दिया है, सीमेंट वाले, ईंट वाले, एक एक आदमी अपने पैसे के लिए तकाजा कर रहा है। कहते हैं जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन ये
चूहे इतना नहीं जानते कि मैं डूबने वाला जहाज नहीं हूं। एक एक के मुंह पे उनके पैसे फेंकूंगा मैं। जगदीश, मार्केट से जितना भी पैसा सूद पे मिल सकता है ले, और अगर जरूरत पड़े तो ये मकान भी गिरवी रखूं।